तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब, साउथ की मूवीज या फिर पैन इंडिया मूवी कह लो, इनका कंटेंट या फिर इनका भी दबदबा जबरदस्त बना के रखा है इन लोगों ने, क्योंकि ये जाने जाते हैं अपने कंटेंट के लिए, अपनी स्टोरी के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए, जो लोगों को कनेक्ट करता है। और दैट्स वाई कि भाई पैन इंडिया मूवी इतना ज़्यादा कनेक्ट करती है पब्लिक को, ना कि सिर्फ साउथ में बल्कि हिंदी रीजन में भी बहुत अच्छी पकड़ इन्होंने बना रखी है। वैसे कैप्टन मिलर का ट्रेलर आ चुका है, जिसके मेन लीड पर हमें धनुष देखने को मिल रहे हैं। मोस्ट मच अवेटेड मूवी है, क्योंकि भाई साहब इसमें एक्शन बहुत दमदार मिलने वाला है और कुछ एक वो पल मिलने वाले हैं जो ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर किया करते थे, यानी वो क्रुएलिटी, वो ब्रुटैलिटी दोबारा से देखने को मिलने वाली है। तो भाई साहब ट्रेलर को रिव्यू करेंगे, कौन सा क्या चीज़ मिलने वाला है, मतलब ट्रेलर कितना प्रॉमिस कर रहा है कि भाई साहब हम क्या क्या आपको दे सकते हैं, एज व्यूअर तुम हमसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, ट्रेलर में क्या क्या होने वाला है या फिर मूवी में क्या क्या होने वाला है, सभी चीज़ों पर एक एक करके नजर मारेंगे। क्या करना है, वीडियो को एक लाइक नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई साहब सपोर्ट की बहुत कमी हो रही है, जो आपको बरकरार रखना है, क्योंकि हम ऐसे कॉन्टेंट टाइम टाइम लाते रहते हैं। शुरुआत करते हैं भाई साहब, 2023 में बड़े बड़े सुपरस्टार कमबैक करते नजर आए हैं, उसी नक्शे कदम पर हमें धनुष भी चलते नजर आते दिख रहे हैं, क्योंकि भाई साहब इनकी कैप्टन मिलर मूवी बहुत प्रॉमिस कर रही है कि हम आपको सॉलिड कंटेंट देने वाले हैं, दबा के एक्शन देने वाले हैं, और ट्रेलर में वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। भाई साहब जब ये मूवी अनाउंस करी गई थी, तभी से एक चर्चा एकदम से ट्रेंड पे आई थी कि भाई ये जो कैप्टन मिलर का आप जो किरदार इनमें निभा रहे हो, ये क्या बायोग्राफी है? LTTE एक मिलिटेंट संगठन था, श्रीलंका से तमिल मिलिटेंट संगठन, क्या ये उसके ऊपर बायोग्राफी है जो कैप्टन मिलर जिसके हेड थे? तो भाई साहब, तो जो डायरेक्टर हैं अरुण माथेश्वरन, उन्होंने सीधा इस चीज़ को डिनाई किया और उन्होंने बताया कि भाई साहब ये जो कैप्टन मिलर का हमने किरदार लिया है, वो हॉलीवुड की एक फेमस मूवी है सेविंग प्राइवेट रयान, उनका जो कैरेक्टर है टॉम हैंक्स ने जो कैरेक्टर रोल प्ले किया है कैप्टन मिलर का, हमने वहाँ से ये ले रखा है। तो ऐसे उसके बाद ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि भाई एक्चुअल में ये कहानी क्या होने वाली है, क्योंकि ट्रेलर से साफ पता लग रहा है कि ये ब्रिटिशर्स के खिलाफ जा रहा है और एक बागी के रूप में धनुष यानी अपने कैप्टन मिलर लड़ते नजर आ रहे हैं और जबरदस्त तरीके से नाक में दम कर रखा है, जो सीधा सीधा पता चल रहा है कि उनका मुख्य काम ब्रिटिश आर्मी के खिलाफ ऐसे रुकावटें व अड़चन पैदा करना है जो उनकी नाक में दम कर दे, और वही चीज़ हमें देखते हुए मिल रही है उसमें भी, जो फुल उसके साथ जो उसकी छोटी मोटी आर्मी है यानी उसके गांव की जो आर्मी है। दूसरा ये कि भाई एक बागी के रूप में धनुष यहाँ पर अपने गांव को प्रोटेक्ट करते नजर आ रहा है, जो एक्स आर्मी सोल्जर है ब्रिटिश आर्मी का जो लास्ट में हमें देखने को मिला था, उन्होंने एज कैप्टन मिलर, जो ट्रेलर में लास्ट में खुद धनुष ने ये रिवील आउट किया था कि यू बिलीव इन डेविल, आई एम डेविल, यू कैन कॉल मी कैप्टन मिलर। तो भाई ये चीज़ उन्होंने ही दिखाई है। बाकी ट्रेलर भाई साहब बहुत प्रॉमिस कर रहे हैं कि एक्शन दबा के मिलने वाला है, क्योंकि कैप्टन मिलर अपने धनुष भी जबरदस्त लीड करते नजर आ रहे हैं अपने गांव की एक छोटी मोटी सेना के साथ, जो बिल्कुल कुल्हाड़ा भाला या फिर जो भी उनके हाथ में हसिया वसिया जो भी उनके हाथ में लग रहा है उससे लड़ते नजर आ रहे हैं। तो भाई कहानी बहुत दमदार देखने को मिलने वाली है। दूसरी तरफ एडवांस्ड वेपन के साथ हमें ब्रिटिशर्स देखने को मिलेंगे एंड दूसरी तरफ हमें ये गांव वाले लड़ाके देखने को मिलेंगे। बाकी ट्रेलर में थीम एक बार के लिए फुल हॉलीवुड को कॉपी कर रही है, वो BGM बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ चटपटी छेड़खानी, मतलब गोलियों के साथ और वो बम्स के साथ ढंग ढंग ढंग, वो चीज़ अच्छी लगी देखने में, जो ट्रेलर को बहुत ज़्यादा निखार के भी सामने लाता है। देन एक्शन दबा के मिलेगा एंड इमोशन भी दबा के मिलने वाला है, और इतना ज़्यादा मिलने वाला है क्योंकि वही चीज दोबारा से रिपीट होने वाली है, मतलब एक बार के लिए वो चीज दोबारा से हमें मौका मिलेगा ब्रिटिशर्स से नफरत करने का, जब वो क्रुएलिटी, वो ब्रूटैलिटी इंडियंस के साथ दिखाए करते थे, और वो यहां पर दिखाने वाले हैं। तो भाई एक्साइटमेंट तो है खैर इस मूवी के लिए, क्योंकि यहां पर कहानी का जो कंटेंट है थोड़ा हटके है। एक्शन मूवी बहुत आई हैं इस बार 2023 में और 2024 में भी बहुत हैं, लेकिन ये एक्शन जो इस हिसाब से स्टोरी टेलिंग करके जाएगा वो देखने के लिए एक्साइटमेंट है। 12 जनवरी को मूवी थिएटर पर फट जाएगी, वो भी 5 भाषाओं में, हिंदी सहित। तो आप लोगों को इतना एक्साइटमेंट है, बाकी ट्रेलर आपने देख लिया तो आपको कैसा लगा, मेरा ये रिव्यू है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।